अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ बरारुल हक और जहांजीब आलम चेयरमैन ऑफ अल हयात ग्रुप। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम जी, बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी एंड इफ़ वी लुक एट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें जो यूथ की कैरेक्टर बिल्डिंग है इट इज़ थ्रू स्पोर्ट्स, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं, और इस तरह के लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की उसको फ्लैश करने के लिए नहीं कर रहे होते, ये इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे होते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी शुरू कर रहे होते हैं, और नौजवानों को बजाय इसके कि वो बेरहरवी वाली साइट्स पे, ड्रग्स वाली साइट्स पे जाएं, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने की एक एफर्ट कर रहे होते हैं। हर लेवल पे इसको सपोर्ट करना चाहिए, और आज मैं अगर अपना टाइम निकाल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के यहाँ पर आया हूँ तो इसी बड़ी इंटेंशन के साथ आया हूँ। हमारे जो लीडर हैं वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्स इंसान को बड़ा कुछ सिखाती है, और ये दुनिया ने इसके ऊपर रिसर्च करके फैसला किया है। सो आज विदाउट एनी रिम्यूनरेशंस अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो उसकी वजह यही है कि वी वांट समथिंग गुड टू हैपन इन दिस कंट्री, स्पेशली टूवर्ड्स द यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूथ के अंदर हमें वो ड्राइव नज़र नहीं आती, वो गैजेट्स ले के गोद में बैठ जाते हैं और घंटों उससे नहीं उठते, और वो एक लिहाज से बड़ा अच्छा है कि वो अपनी रिसर्च करके असाइनमेंट्स मुकम्मल कर लेते हैं, बट द सेम टाइम उनका दिमाग उस वक्त तक, दिमाग कभी तरोताज़ा नहीं हो सकता जब तक एक फ्रेश एयर उनको ना मिले, फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, उनका जो कहना चाहिए इसको मेटाबॉलिज्म बेहतर उसी सूरत में होगा जब सनलाइट को एक्सपोजर होगा, और वो सारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी, और उसके बाद ही हम एक सेहतमंद कौम बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जितनी अपनी उम्र की स्ट्रगल्स हैं तो उस सब के क्रक्स में आप अपनी यूथ को एक कोई मैसेज अगर पहुंचाना चाहें कि जो मिस्टेक्स आपने की और वो ना करें, और एक पॉजिटिव मैसेज अगर आप। यूथ अक्लमंद है, मैं उनसे कहूँगा आप हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं, ज़रा ड्रग्स पर रिसर्च करके देखें कि कौन सी ड्रग कितनी देर में आपको फारिग कर देती है, जहन मफलूज कर देती है, किस तरह आपको मार देती है अल्टीमेटली। सो उससे नो करें, ना सिर्फ कि नो करें, जो लोग कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करें। हमारे फेसबुक के ऊपर जब कोई चीज़ करता है, हमारे यूट्यूब पे हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, जो हमारी जिंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उनकी रिपोर्ट हम कहाँ करते हैं और कौन करता है। सो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसको ख़त्म करें, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, और एक हेल्दी माइंड अपना पैदा करें ताकि आने वाली जनरेशन हेल्दी हों। एंड जहांजीब साहब, आप कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहें? मैं ये कहूँगा एक ऐसी बात है जिसमें कोई एक चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी सब चीज़ को फ़रोग देने के लिए यहाँ आज क्रिकेट मैच हुआ है, और वाकई में इस बिज़ी टाइम के अंदर रमज़ान में अगर सब ने टाइम निकाला है और सब इसको दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो लोग, जो कौम इस पर लगती है उनकी यंग जनरेशन बूस्टेड होते हैं, एंड दे आर मोर फ्रूटफुल दैन द पीपल हु आर जस्ट यूजिंग द गैजेट्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।